आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 92 जो बात करता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिविटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेक्शन 91 में हमने किया था अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन अगर डॉक्यूमेंटेड है तो उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव किया जाएगा। अब सेक्शन 92 बात करता है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन में किसी टर्म का कोई ऑल्टरेशन, कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट की गई है तो वो टर्म डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव की जाएगी, उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। पर सेक्शन 92 तभी अप्लाई होगा जब वो सूट उन सेम पार्टीज़ के बीच में हो जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हो। पर अगर कोई थर्ड पार्टी इस केस में उस पार्टी पर सूट फाइल करती है तो सेक्शन 92 अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में जो टर्म्स लिखी गई थी, बाद में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, बी के अकॉर्डिंग कोई टर्म ऑल्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट की गई थी, वो सूट फाइल करता है इस बात के लिए, तो उसे अपनी उस बात को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना पड़ेगा, वो ओरल एविडेंस से उस बात को प्रूव नहीं कर सकता। सेम केस में जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ था, अगर इस केस में कोई डी आकर ए के ऊपर सूट फाइल करे कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम टर्म अल्टर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट की गई थी, तो इस केस में 92 अप्लाई नहीं होगा। तो सेक्शन 92 के मेन सेक्शन की बेरिक लैंग्वेज को देखते हैं। When the term of any such contract, grant or other disposition of the property of any matter required by law to be reduced to the form of a document have to be proved according to the last section, मतलब 91 के according ही वो चीज़ें prove की जाएंगी। और 91 में बात की गई थी कि अगर ये documented हैं तो documentary evidence से ही prove किया जाएगा। No evidence of any oral agreement or statement shall be admitted, मतलब इसके लिए कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। एज बिटवीन द पार्टीज़, मतलब कि वो जो सूट होगा वो उन पार्टीज़ के बीच में ही होगा जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, अगर वो पर्सन जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो इनकैपेबल हो गए हैं, सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में उनके ही रिप्रेजेंटेटिव अगर सूट फाइल करते हैं तो भी सेक्शन 92 अप्लाई होगा। To any such instrument or their representative in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its term, मतलब उस term में कुछ add या subtract किया गया है तो उसके लिए oral evidence से proof नहीं किया जा सकता। पर इस third party के interest को protect किया गया है section 99 में, जो बात करता है कि कोई person जो कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी टर्म की वजह से अफेक्ट हो रहा है और ये बात प्रूव करना चाहता है कि उस टर्म में कोई ऑल्टरेशन, कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई थी, तो वो ओरल एविडेंस दे सकता है अंडर सेक्शन 99 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। पर सेक्शन 99 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगता, क्योंकि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट पे सेक्शन 92 लगता है और थर्ड पार्टी पे सेक्शन 99 लगता है। सेक्शन 99 की बेरिक लैंग्वेज को देख लेते हैं। सेक्शन 99 बात करता है, हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेयरिंग टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट मे गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट टेंडिंग टू शो अ कॉन्टेम्पोरेनियस एग्रीमेंट वेयरिंग द टर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट। सेक्शन 92 में आगे 6 प्रोवाइजो दिए गए हैं। अगर कोई भी केस इन 6 प्रोवाइजो में से किसी भी एक प्रोवाइजो में फॉल करता है तो उस केस में ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है। फर्स्ट प्रोवाइजो बात करता है कि कोई ऐसा फैक्ट जो उस कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन को इनवैलिड कर देगा तो उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट में उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर ए और बी दोनों से मिस्टेक हुई है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग वॉइड होगा, तो इस बात को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। या अगर हम बेरेक्ट देखें तो बेरेक्ट बात करता है, अगर किसी फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगैलिटी, वॉन्ट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, want और failure of concentration and mistake in fact of law, मतलब ये सब चीज़ें oral evidence से prove की जा सकती हैं क्योंकि ये सब चीज़ें उस document को invalidate prove कर देंगी।
सेक्शन 92 का सेकंड प्रोविजो बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के टाइम पे अगर पार्टीज ने कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कर लिया गया है, जिस ओरल एग्रीमेंट की बात उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं की गई है और ना ही ये ओरल एग्रीमेंट किसी भी तरह से उस डॉक्यूमेंट को हार्म कर रहा है, तो इस बात को प्रूव करने के लिए कोर्ट में ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो कोर्ट ओरल एविडेंस अलाउ करने के टाइम पे ये देखेगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट या जो डॉक्यूमेंट पार्टीज के बीच में पहले बनाया गया था वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल होगा तो वो बिल्कुल हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट लिखी जाएगी, उसमें अगर किसी चीज़ पे अगर वो डॉक्यूमेंट साइलेंट है तो मतलब पार्टीज़ ने डेलिब्रेटली उसको साइलेंट रखा है, तो इस केस में ओरल एविडेंस अलाउ नहीं होगा। पर अगर इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट तो ठीक है, पार्टी ने किसी भी तरह से लिख दिया और हो सकता है कुछ पॉइंट लिखना रह गया हो तो उसके लिए सेपरेट ओरल एग्रीमेंट बना लिया, तो इस इनफॉर्मल केस में तो कोर्ट पार्टी को ओरल एविडेंस के लिए अलाउ करेगी, बट अगर डॉक्यूमेंट फॉर्मल है तो ओरल एविडेंस अलाउ नहीं होगा। मतलब फॉर्मल डॉक्यूमेंट के टाइम पे ये प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा और ना ही पार्टी उस बात को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दे सकती है। प्रोविजो 2 की बेरक लैंग्वेज को देख लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज साइलेंट एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म मे बी प्रूव्ड इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट दिस प्रोविजो अप्लाई। मतलब ये प्रोविजो अप्लाई होगा या नहीं, मतलब ओरल एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं, तो उस केस में कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू डिग्री ऑफ फॉर्मैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब तो कोर्ट ये चेक करेगी कि वो डॉक्यूमेंट जो पहले फॉर्म किया गया था पार्टीज के बीच में वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। सेक्शन 92 का थर्ड प्रोविजो बात करता है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे पार्टीज़ ने साथ में कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट किया किसी कंडीशन प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, मतलब पहले ये कंडीशन फुलफिल होगी उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, अगर इस तरह का कोई ओरल एग्रीमेंट किया है तो इस बात को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 92 का फोर्थ प्रोविजो बात करता है कि पार्टी ने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद कुछ दिन के बाद एक डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट किया गया। डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट मींस उस कॉन्ट्रैक्ट में, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में और इस ओरल कॉन्ट्रैक्ट में टाइम गैप है, पर प्रोविजो 2 जो हमने किया था वहाँ वर्ड यूज़ किया गया था सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के साथ ही एक ओरल एग्रीमेंट कर लिया गया था, वहाँ टाइम गैप नहीं था। प्रोविजो 4 में अगर डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है तो उसे ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है, पर अगर लॉ के अकॉर्डिंग वो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए था तो इस केस में प्रोविजो 4 अप्लाई नहीं होगा। मतलब उस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई या रिसाइंड करने के लिए, तो उसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव किया जाएगा। सेक्शन 92 का प्रोविजो 5 बात करता है कोई ऐसी यूजेज या कस्टम है, मतलब ऐसी बात जो चली आ रही है और उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं की गई है, तो इस यूजेज और कस्टम को पार्टी ओरल एविडेंस देकर प्रूव कर सकती है। सेक्शन 92 का 6th प्रोविजो बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन क्लियर नहीं हो पा रही है, तो इस बात को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। There was a case regarding Proviso 6, Godhra Electricity Company versus State of Gujarat 1975 Supreme Court, which says कि contract की language अगर clear नहीं है, उससे parties की real intention show नहीं हो पा रही है, तो इस बात को prove करने के लिए oral evidence दिया जा सकता है।